नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास, और आज मध्य प्रदेश में उपराष्ट्रपति के मिमिक्री मामले में जोरदार सियासत हुई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के गैर जिम्मेदार नेता स्थापित होते जा रहे हैं। आसमान की तरफ मुंह करके थूकने से खुद मुंह खराब होता है, राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी भयंकर भूल की है, नैतिक तौर पर मूल्यों को ध्वस्त करने वाली है। शब्दों में उसकी निंदा नहीं हो सकती है, देश देख रहा है। राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के एक बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया करने वाले नेता के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इस प्रकार से उनकी छवि बन रही है। मेरा भी लंबा अनुभव है, लगभग 34 साल मैं सदन में रहा हूँ। लोकसभा में ऐसे दुर्भाग्यशाली पल कम से कम आए हैं, और कल का जो चित्र है, और राहुल गांधी जी ने वो बड़ी भयंकर भूल की है, तो नैतिक तौर पर मूल्यों को ध्वस्त करने वाली है। शब्दों में उसकी निंदा नहीं होगी, लेकिन देश देख रहा है और देश उसका जवाब देगा भी। उपराष्ट्रपति के अपमान की आग दिल्ली से निकलकर भोपाल तक जा पहुंची है, और आज राजधानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। मिमिक्री विवाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि विपक्ष करोड़ों जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जनता की भावनाओं के साथ उन्होंने अपमान किया है। देश चाहता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि संपूर्ण भारत इस पर आंदोलित है। घोर अपमान हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद का राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया है, और जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रही है कांग्रेस, क्योंकि इनके मन में भारत नहीं, इनके मन में तो इटली है। कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो सम्मान का हक उन्हें है वो तो देना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक आम व्यक्ति को भी देना चाहिए। पर किसी राजनीतिक, बड़े राजनीतिक दल का नेता अगर ऐसी हरकत करता है तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करें। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। आज किस तरह से पुतला दहन किया गया, कैलाश विजयवर्गीय इस दौरान मौजूद रहे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मिथुन अहिरवार जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मिथुन जी, पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिथुन जी, शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। आपने कैलाश विजयवर्गीय का भी वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर जो भी बैठा होता है, भले वो आम व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति हम सम्मान से ही बात करते हैं, अपमानित बिल्कुल नहीं किया जाता। और देखिए किस तरह से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी मिथुन जी, फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का सम्मान तो हमेशा होना ही चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज क्यों ये याद आ रहा है, जब मनमोहन सिंह जी को ये कहा जाता था कि वो बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाते हैं, तो वो उस समय क्या संवैधानिक पद पर नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे हैं, ये तो हर साल कभी एल्विस प्रेस्ली बनते हैं, कभी ये चाचा चौधरी बन जाते हैं, खुद दूसरे रूप धर के लोगों की मिमिक्री करते नजर आते हैं। इनके चाहे संबित पात्रा हो, चाहे गौरव भाटिया हो, रोजाना सोनिया गांधी जी की मिमिक्री किए बिना उनकी डिबेट खत्म नहीं होती। मिथुन जी, कल्याण बनर्जी जी ने किया और जो राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, मैं उस पर पूछ रही हूँ। कैलाश विजयवर्गीय जी क्या करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो संसद में कल हुआ है, जो बाहर हमने फोटो गैलरी में देखा, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। मैं उसी पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दुनिया भर की मिमिक्री करें तो वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवैधानिक पद पर बैठने की इनको तब याद आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब पक्ष रखना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कई सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को, इनके तो एक सांसद रहते हुए एक नेता ने पूरा मिमिक्री आर्टिस्ट को लेकर के एक शो खड़ा किया था 2003 में, तब इनको याद नहीं आया, वहां भी नेताओं की मिमिक्री होती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टैंडर्ड सुधारना चाहिए, और वी डी शर्मा
शर्मा जी बात कर रहे हैं, इन्होंने बता दिया देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, उस पर तो राष्ट्रपति जी होते हैं, सर्वोच्च के लेकर के भी इनकी अपनी परिभाषा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इस देश में क्या मिमिक्री पर भी अब बैन लगने वाला है, और अगर नहीं मैं पंकज जी से उत्तर ले लेती हूं। लगातार इनके पंकज जी देखिए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगा रहे हैं मिथुन जी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या भाजपा मिमिक्री पर भी बैन लगा देगी। देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी बैन प्रतिबंध की बात नहीं कर रही है, हमने तो देश के पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक संवाद में विषय रखा है कि सवाल कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का और मिमिक्री का नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का मालिक है, जिसने अभी परसों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष की नियुक्ति करी, फोन करके कहा, जीतू पटवारी जी का बयान है कि राहुल गांधी जी ने मुझे फोन करके कहा कि हम तुमको अध्यक्ष बना रहे, किस क्षमता से बना रहे वो जाने, अध्यक्ष तो खड़गे जी है, अध्ययन का विषय। और वो व्यक्ति यदि इस प्रकार के कृत्य की वीडियोग्राफी करे बच्चों के समान, तो समझ में आता है कि इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी जी में अभी राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, जिसकी देश कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के मालिकों से उम्मीद करता है, और विषय उसी का है, सवाल मिमिक्री का नहीं है। मिमिक्री तो राहुल गांधी जी खुद ही कॉमेडी आर्टिस्ट है, जरूरत नहीं पड़ती लोगों को मनोरंजन कराने के लिए, उसके राजनीतिक कृत्य ऐसे होते हैं कि लोग कांग्रेस का हाथ मिथुन जी, ठीक है पंकज जी मैं मिथुन जी से उत्तर ले लेती हूँ। मिथुन जी, भाजपा माफी की भी मांग कर रही है, तो क्या माफी मांगी जाएगी कल्याण बैनर्जी जी की तरफ से या फिर राहुल गांधी की तरफ से? देखिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे इस देश के लोगों से, जिस देश की संसद की सुरक्षा की ये बात करते तो उस देश की संसद की सुरक्षा को लेकर के 141 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उस पर जवाब मांगा जा रहा है, उस पर से ये पूरा विवाद सामने आया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर पहले ही जवाब दे देते, देश के गृहमंत्री जवाब दे देते, भारतीय जनता पार्टी के मालिक यदि जवाब दे देते तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। पंकज जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पंकज जी देखिए, हमने तो देश के ऊपर छोड़ दिया कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हो, जनजाति वर्ग की पहली महिला उपराष्ट्रपति, वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीच जाति का बोलकर अपमानित करते हो, गाली बकते हो, और अब उपराष्ट्रपति ने छोड़ा, जनता इनको अभी और सबक सिखाएगी तब इनको समझ आएगा कि क्या। बिल्कुल, 3 महीने ही बचे हुए हैं पंकज जी, मिथुन जी देखिए लोकसभा चुनाव के पहले, और हर एक मुद्दे को इसी तरह सियासत से जोड़ा जाएगा, अपमान पर फिलहाल घमासान छिड़ा हुआ है, देखते आगे और कितनी प्रतिक्रियाएं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, मिथुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ दूसरी बड़ी खबरों का। तो भोपाल में बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, बैठक में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की रणनीति बनेगी, साथ ही विपक्ष को काउंटर किस तरह से करना है इस पर मंथन होगा। बता दें कि विधानसभा सत्र कल खत्म होने वाला है और उससे ठीक एक दिन पहले आज ये बैठक हो रही है, क्योंकि कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए स्पीकर चुना गया। बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अध्यक्ष पद के लिए प्रहलाद पटेल ने प्रस्ताव रखा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका समर्थन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी तोमर के नाम का समर्थन प्रस्ताव रखा। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल इलाके के पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वें अध्यक्ष है। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद तोमर ने पक्ष विपक्ष का आभार प्रकट किया। ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज विपक्ष के सदस्यों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर सदन के अंदर ले जाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पहले गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर वो बैठ गए, फिर हाथ में तस्वीर लेकर सदन के अंदर जाने लगे, जिस पर विधानसभा के मार्शलों ने विरोध जताया और सदन के अंदर तस्वीर नहीं ले जाने दी, जिस पर विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा के गेट के पास जाकर जमकर नारेबाजी की। मार्शलों ने गेट पर ही विपक्षी सदस्यों के हाथ से तस्वीर छीन ली, जिसके बाद विपक्ष बिना तस्वीर के ही सदन के अंदर प्रवेश करने लगा। तो आज सीएम मोहन यादव को कार्यभार संभाले पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं और आज सीएम के पहले आदेश को भी पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं। जी हां, आज लाउड वॉल्यूम पर कंट्रोल करने का आखिरी दिन है, यानी कल से अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इसलिए आईबीसी 24 लेकर आया है मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में सीएम के आदेश का रियलिटी चेक। कार्रवाई कहां कितनी हुई है, मोहन सरकार के आदेश का कितना पालन हो रहा है, कहां चूक रह गई, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं स्पेशल सेगमेंट।
उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद सबसे पहली कार्रवाई देखने को मिली थी। 15 दिसंबर को ही धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार लिए गए थे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सभी समाज के धर्मगुरुओं की एक बैठक ली गई और आदेश साझा किए गए। पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने स्वयं ही लाउडस्पीकर उतार दिए। और अब अगली तस्वीर आपको भोपाल की दिखाते हैं। भोपाल में ज्यादातर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खुद धर्मगुरुओं ने लाउडस्पीकर उतार दिए और सरकार के फैसले का समर्थन किया। भोपाल में अब तक नगर निगम ने 200 से ज्यादा मीट दुकानों की जांच करने के साथ ही 100 दुकानों पर कार्रवाई की है, जबकि जिले में मीट मछली के करीब 2000 अवैध दुकानें संचालित की जा रही है। बता दें कि जिले में सिर्फ 300 ही ऐसी दुकानें हैं जिसके पास लाइसेंस है। और अब आपको मिनी मुंबई इंदौर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर में कितना अमल हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। इंदौर में कई इलाकों में स्वेच्छा से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा लिए गए। जिले में 20 से अधिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए गए। जिला प्रशासन ने 45 उड़न दस्ते भी गठित किए हैं जो लगातार निगरानी कर रहा है। और अगली तस्वीर जबलपुर की। जबलपुर में भी आदेशों का पालन पुख्ता कराने के लिए सरकारी अमला सड़क पर उतरा है। सबसे पहले शांति समिति और सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई। निर्देशों को लेकर समझाइश दी गई। ज्यादातर जगहों पर इसका असर भी दिखा। कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर जब्त किए गए और मीट की दुकानों का चालान भी काटा गया। और अब विदिशा की तस्वीर आपको दिखाता है। विदिशा में धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद आपसी सहमति से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा लिए गए। पहले जिले में मीट दुकानों के सिर्फ 90 लाइसेंस थे और अब नए आदेश पर प्रशासन के एक्शन के बाद 260 नए आवेदन कर दिए गए हैं दुकानदारों की तरफ से। यानी कि मीट दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन बढ़ गए हैं और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। और अब आपको बुरहानपुर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। बुरहानपुर में प्रशासन ने धर्मगुरुओं, डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक ली। बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियमों की जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि तय समय सीमा के बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो कि आज खत्म हो रहा है, यानी कि इसके बाद कार्रवाई हो सकती है। और अगली तस्वीर हरदा की। हरदा नगर पालिका में 38 मास मछली के दुकानदारों को चिन्हित किया गया, नोटिस भी दिया गया और सभी दुकानों को बंद कराया गया। आदेश का पालन नहीं करने पर पालिका की टीम ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मास मछली की दुकानों को बंद कराया गया और कुछ दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। और अब अगली तस्वीर धार की। धार में प्रशासनिक अमला लाउडस्पीकर को तय मानक के अनुसार करवाने के लिए लगातार जुटा हुआ है। अनेक स्थानों पर स्वेच्छा से ही तेज आवाज में बजने वाले माइक और स्पीकरों को निकाला जा रहा है और प्रशासन को इसकी बाकायदा सूचना भी दी जा रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं धार की। यहां पर 2 मीट दुकानों को सील कर दिया गया। और हटा से भी मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की तस्वीरें सामने आई। हटा के हनुमान मंदिर, जामा मस्जिद स्थित अन्य धार्मिक स्थलों की मीनारों और शिखर पर लगे लाउडस्पीकर निकलवाए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने थाना में शांति कमेटी की बैठक भी बुलाई और कार्यवाही के निर्देश दिए थे। और उसके बाद आप देखिए उस बैठक का असर हुआ। मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे गए। और अब अगली तस्वीर है रायसेन की। रायसेन में भी धर्मगुरुओं ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर को उतारा। सबसे पहले रायसेन के पंचमुखी हनुमान मंदिर गोपालपुर पर पंडित अनिमेश महाराज ने लाउडस्पीकर उतारने का काम किया। इसके बाद शहर काजी के कहने पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मस्जिदों से भी बाकायदा लाउडस्पीकर उतारे गए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अलग अलग शहरों की अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब कल समय सीमा खत्म हो रही है, आज आखिरी दिन है। ऐसे में जबलपुर में कार्रवाई करने की बजाय जिला प्रशासन ने सबसे पहले शांति समिति की और सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी धर्मों से जुड़े लोगों को समझाइश दी गई। बैठक में हुए निर्णय के बाद सभी धर्मों के लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की संख्या कम करने के साथ ही उनकी आवाज भी कम करने का भरोसा दिया। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता अभिषेक शर्मा ने।
मध्य प्रदेश में इन दिनों लाउड स्पीकर और खुले में बिकने वाले चिकन को लेकर चौक चौराहों पर रोज चर्चा हो रही है। कि इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के घंटाघर चौक पर, आप जहां देख सकते हैं कि ये जो है मशीन वाले बाबा की मस्जिद है। कुछ दिनों पहले तक यहां पर भी लाउड स्पीकर लगे हुए थे। यहां पर जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वह अजान और नवाज के टाइम जो है तेजी से पूरे एरिया में सुनाई देती थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब जो है सभी धर्मगुरु ने जिस तरीके से हामी भरी थी उसके बाद यहां से लाउड स्पीकर को निकाल लिया गया है। इसी तरीके से जो जबलपुर के अगर हम मंदिरों की बात करें, चाहे बंगलामुखी मठ मंदिर हो या फिर बूढ़ी खेरमाई मंदिर हो, सदर का काली मंदिर हो, यहाँ पर भी लाउड स्पीकर को निकाल लिया गया है और उनकी वॉल्यूम को जो है अब तय मानक के तहत यहाँ पर लगाया जाएगा और उसकी वॉल्यूम जो है कंट्रोल की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर लगाना है तो उनकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी पड़ेगी और इसके लिए बाकायदा प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी, इसलिए आवाज़ कंट्रोल करना पड़ेगा और इस आवाज़ को कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन है। अगर लोग आज नहीं मानते तो इसके बाद जिला प्रशासन जो है उन्होंने टीमें बनाई हैं जो औचक निरीक्षण करेंगी। ऐसे में प्रशासन भी आज इंतज़ार कर रहा है कि आज के बाद जब उसकी टीमें निकलेंगी तो जो माहौल आज देखने को मिल रहा है वह शायद उसे आगे भी देखने को मिलेगा और उसे लाउड स्पीकर एक्ट का जो उल्लंघन है उसके तहत कोई कार्रवाई यहां पर करने ना पड़े। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। और अब आपको राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में सीएम के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की गई। संवाददाता हरप्रीत कौरी ने मौके का जायजा लिया, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर और निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बजाए जाने वाले डीजे का वॉल्यूम कम करने का आज आखिरी दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक चौराहे पर। देखा जा सकता है कि यहाँ पर काली माता मंदिर है। इस मंदिर पर भी बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर लगे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर प्रशासन के आदेश के बाद उतार दिया गया। अब कल से प्रशासन के उड़न दस्ते मौके पर मैदान में उतरेंगे और जिन धार्मिक स्थलों पर नियमों के विरुद्ध लाउड स्पीकर लगे हुए पाए गए तो ना सिर्फ वो पूरा सामान जब्त किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही कमेटी पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरा एक मामला है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया था कि खुले में मांस मटन और अंडों का विक्रय ना करना और मांस मटन मच्छी की जो दुकानें हैं उन्हें ढांकने का। जिन दुकानों में खुले में मांस मटन अंडों का विक्रय किया जाता था उन्हें फिलहाल पीली हरी पन्नी से ढक दिया गया है। प्रशासन की जो अभी अपील है उसका असर दोनों मामलों में, चाहे वो धार्मिक स्थलों का हो या फिर मांस मटन अंडे की दुकानों का हो, इसमें नज़र आ रहा है। अभी प्रशासन ने अपील की है, लेकिन कल सुबह से अब ये अपील कार्रवाई के तौर पर नज़र आएगी। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेल। इधर ग्वालियर में भी IBC 24 संवाददाता महेंद्र कुशवाहा ने जायजा लिया है। आज आखिरी दिन किस तरह की कार्रवाई रही और कितना अमली जामा पहनाया जा रहा है सीएम मोहन यादव के निर्देश पर, देखिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के द्वारा दिए गए आदेश के बाद लगातार पुलिस और प्रशासनिक की टीम लाउड स्पीकर और जो अपने ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही जो मीट की दुकानें, मांस की दुकानें हैं उनको भी लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं खड़ा हूँ SP ऑफिस पर, जहाँ पर आज भी उसी को लेकर आज पुलिस की एक बार फिर से मीटिंग शुरू हुई है और जिसमें उस लगातार मीटिंग के दौर की जा रही है। साथ ही टीमें बनाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले अभी के SDP बैठ ने कार्रवाई की थी जिसमें कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा उनसे निवेदन किया गया था। धर्मगुरुओं ने आगे आके मस्जिद और मंदिर से अपने लाउड स्पीकर जो थे वहाँ से उनको खुद स्वयं उतारे और उसके बाद पुलिस अधिकारी ने खुद उनको माला और शॉल पहनाकर सम्मान भी किया। साथ ही पुलिस भी प्रशासन भी उनको अभी समय दे रही है, उनके साथ ही कार्रवाई कर रही है। उनको बोल रही है कि इस तरह का जो साउंड है वो कुछ लिमिटेशन में बजा कर चलाएं या फिर उनको यह उतार दें, तेज आवाज में वहाँ ना चलाएं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जिस तरह से होता है उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में इसको कार्रवाई है और पुलिस लगातार अभी भी कार्रवाई कर रही है।
और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन देखना यह है कि यहाँ कार्रवाई कितनी सख्ती लाती है और किस तरह से लोग इससे अपने पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस जो आदेश है उनका पालन किया है और साथ ही आदेश का सम्मान भी किया है। महेंद्र सिंह, IBC 24, ग्वालियर। तो सीएम के आदेशों का और एक्शन का रियलिटी चेक किया है, ये हमने आपको दिखाया, लेकिन आज उसकी म्याद खत्म हो रही है और कल से कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई किस तरह की होगी वो भी तस्वीर हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।